पॉलिटिकल पंडित अमित शाह को वर्तमान राजनीति का चाणक्य बताते हैं। हालांकि शेयर ब्रोकर से राजनीति का शहंशाह बनने तक का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। महाराष्ट्र राज्य में गुजराती परिवार में जन्मे साल 1964 में हुआ था। इनके परिवार का नाता गुजरात के महसाना गांव से है और शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहां के ही एक स्कूल से हासिल की। शाह एक विज्ञान के छात्र थे और इन्होंने सीओ शाह साइंस कॉलेज से विज्ञान के विषय में डिग्री प्राप्त की थी। ये कॉलेज अहमदाबाद में है। अमित शाह 16 साल की उम्र तक अपने पैतृक गांव गुजरात के मानसा में ही रहे और स्कूली शिक्षा वहीं से हासिल की। इसके बाद जब उनका परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया तो वो वहां आ गए। अहमदाबाद से बायो केमिस्ट्री में अमित शाह ने बीएससी की परीक्षा पास की। इसके बाद वे अपने पिता के प्लास्टिक के पाइप के कारोबार को संभालने लगे। प्लास्टिक के पाइप का कारोबार संभालते हुए उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और शेयर ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू किया। अमित शाह भारतीय राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए और आज वो अपनी पार्टी में जिस पद पर पहुंचे उस पद तक पहुंचने के लिए शाह ने खूब मेहनत की है। अमित शाह का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और वो इस पार्टी के अध्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। अमित शाह के दम पर बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में चुनाव जीते जहां पर इस पार्टी की पकड़ बिल्कुल मजबूत नहीं थी। अमित शाह भारतीय राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए और आज वो अपनी पार्टी में जिस पद पर पहुंचे उस पद तक पहुंचने के लिए अमित शाह ने खूब मेहनत की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी की नई सरकार में गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।